Hey guys, इस वीडियो में हम जानने वाले कि आप जीमेल के सारे मेल्स को एक क्लिक में कैसे डिलीट कर सकते हैं। चाहे 10,000 मेल में मैसेजेस हो, चाहे 20,000 मेल में मैसेजेस हो, आप उसे एक क्लिक के अंदर डिलीट कर सकेंगे। कैसे, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। बट उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप अपनी जीमेल के सारे मेल्स को क्यों डिलीट करना चाहते हो, क्या रीजन है, कॉमेंट करके जरूर बता देना। देखो यार, जीमेल के सारे मेल्स को डिलीट करना एक क्लिक में बहुत ज्यादा आसान है। बस वीडियो को ध्यान से देखते रहना और ऑल्सो वीडियो को लाइक अभी से कर देना, क्योंकि आप लोग आगे लाइक करना हो सकता है जाए। तो अब हमें सबसे पहले तो जीमेल में आ जाना होगा। जीमेल में यहां पे आ जाते हैं। अब जीमेल में आने के बाद आपको इस तरीके के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आपको यहां पे डीपी वाले आइकन पे क्लिक करना है। डीपी वाला आइकन कहां होता है मैं आपको बता देता हूं। यहां पे क्लिक करना है और आपको एक बार चेक कर लेना है कि कौन से जीमेल के आपको मेल्स डिलीट करना है। तो मुझे डिलीट करना है आईजी मनीष वाले के, ठीक है। तो यहां पे हमने देख लिया आईजी मनीष करके एक हमारा अकाउंट है, इसके सारे के सारे मेल्स हमको डिलीट करना है। तो अब हमें क्रोम ब्राउजर में आ जाना होगा। अब हम यहां से आते हैं क्रोम ब्राउजर में, क्रोम को ओपन करेंगे और क्रोम को ओपन करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है जीमेल इस तरीके से। अब जीमेल सर्च करने के बाद आपको क्लिक करना होगा इस वाले आइकन पे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, जो डीपी वाला उधर हमको जीमेल में दिखा था वो एज इट इज यहाँ पे दिख रहा है। अब हमें सिंपली क्या करना होगा ना, यहाँ पे हमें लॉग इन करना होगा आईजी मनीष वाला अकाउंट, तभी हम उसके सारे मेल्स को डिलीट कर सकेंगे। कैसे करते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे अभी हमारा डिफॉल्ट दूसरा अकाउंट लॉग इन है, तो उस पर हम इस तरीके से क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा ये वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे जो दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और यहां से हम लॉगिन कर लेंगे आईजी मनीष वाला, ठीक है। इसके हमें सारे मेल्स डिलीट करने हैं, तो हमें इसे यहां पे लॉगिन करना होगा। तो जस्ट हमें इस वाले ऑप्शन पे टैप कर देना होगा और इस तरीके का ऑप्शन हमें यहां पे देखने को मिल जाएगा। अब अगेन हमें यहां पे जस्ट सर्च कर लेना है जीमेल, इस तरीके से जीमेल सर्च करेंगे। एंड सर्च करने के बाद यहां पे हमें जो 3 डॉट्स दिख रहा है ना ऊपर क्रोम में, इस पर हमें क्लिक करना होगा। तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब इस पर क्लिक करने के बाद हमें क्लिक करना होगा डेस्कटॉप साइट पे। ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना डेस्कटॉप साइट, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला ऑप्शन, इस पर आपको टिक कर देना है। इस पर टिक करेंगे, अब यहाँ पे सारा का सारा जो ऑप्शन है वो डेस्कटॉप वर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आप ध्यान से देखते रहिएगा जो जो मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूँ। अब हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा जीमेल वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको हर एक चीज़ जूम करके बता दूंगा, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है, अब इस पर हमें क्लिक करना होगा। तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे तो हमारा जो जीमेल बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा डेस्कटॉप मोड में, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं लोडिंग हो रहे हैं हमारे सारी के सारे मेल्स, क्योंकि इस वाले मेल में यानी जीमेल में काफ़ी सारे मेल्स यहाँ हमें देखने को मिलते हैं और हम सारे डिलीट करेंगे। तो अब हमें इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब हमें जस्ट क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से हमें जूम करना है और यहाँ पे हमें मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑल मेल्स, है ना। मैं आपको एक बार और अच्छे से बता देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैंने फास्ट बता दिया थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और जूम करते हैं, इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ये जो मोर वाला ऑप्शन दिख रहा ना, ये मोर वाला, इस पर हमें क्लिक करना होगा। तो भाई इस पर हम क्लिक कर लेंगे इस तरीके से। देन हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा ऑल मेल्स करके ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर हमें क्लिक करना होगा। तो हम ऑल मेल्स पे इस तरीके से क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे जितने भी हमारे मेल्स हैं ना वो सारे यहाँ पे लोड हो जाएंगे। अब हमें जस्ट क्या करना है, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये देखो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिख रहा है, ये टिक वाला, मैं आपको बता देता हूँ ये वाला, इस पर हमें क्लिक करना होगा। तो इस पर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप देखोगे हमारे सारे मेल सिलेक्ट हो गए हैं। लेकिन एक दिक्कत क्या ना, यहाँ पे सिर्फ एक बार में 50 ही सिलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे बता रहा है कि 50 मेल ही सिलेक्ट हुए हैं। मैं आपको जूम करके बता देता हूँ, ये देखो ये बता रहा है, एक मिनट, यहाँ से मैं इसको हटा लेता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे आप देखेंगे ये बोल रहा है ऑल 50 कॉन्वर्जेशन ऑन दिस पेज आर सिलेक्टेड, लेकिन हमें सारे के सारे मेल एक क्लिक में डिलीट करना है। उसके लिए जस्ट हमें थोड़ा सा स्लाइड करना होगा और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्लू कलर का, ध्यान से देखना। ये देखो सिलेक्ट ऑल 190 कॉन्वर्जेशन इन अ मेल। यहाँ पे हो सकता है आपको 10,000 मेल आ रहे हो, 20,000 मेल आ रहे हो, 50,000 मेल आ रहे हो, जितने भी आपके अकाउंट में यानी जीमेल अकाउंट में मेल्स होंगे वो यहाँ पे इस तरीके से शो करेंगे। तो आपको जस्ट क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है और आपके सारे के सारे मेल सिलेक्ट हो जाएंगे एक क्लिक में। अब डिलीट करने का प्रोसेस बहुत ज्यादा आसान रहेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा डिलीट वाला, ये देखो ये रहा ऑप्शन, मैं आपको और अच्छे से बता देता हूँ। क्योंकि अब आपके सारे मेल सिलेक्ट हो गए, आपको जस्ट डिलीट बटन पर क्लिक करना है। ये देखो यहाँ पे डिलीट पे जैसे आप क्लिक करोगे, ये बोल रहा है कि आप पक्का अपने मेल्स को बल्क में डिलीट करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं आपको जूम आउट करके बता देता हूँ। तो आपको फाइनली अब ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा।
तो हम ओके पे क्लिक करेंगे। ये देखो ओके पे जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सारे के सारे जो मेल्स हैं वो डिलीट होना स्टार्ट हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हो लोडिंग हो रहा है और डिलीट होते जा रहा है, मतलब 2-4 मिनट लेगा। 190 मेल है तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम 2-4 मिनट लेगा। अगर आपके 10-20-30 हज़ार मेल है तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेना, एंड आप जैसे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ से सारे के सारे मेल्स डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे सारे के सारे मेल्स डिलीट हो गए एक क्लिक में। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है यू डोंट हैव एनी मेल। मैं आपको ऑल मैसेजेस इनबॉक्स में भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ये देखो सारा सारा क्लियर है। तो अगर आपको वीडियो 1% भी यूजफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू या थैंक्स जरूर से लिख देना, क्योंकि आपके कमेंट से ही नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में मैं ऐसी और वीडियोस डालूं तो आप लोग मिस ना करें। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू।